तो दोस्तों मेरे पास है स्लीपी कैट का गद्दा जो कि मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूं। मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि बहुत अमेजिंग है ये गद्दा। मतलब इसमें जो जेल टेक्नोलॉजी है उससे बहुत आराम मिलता है। इवन मेरे पास स्लीप वेल का था पहले दूसरे बेड में, मुझे ये उससे कहीं बेहतर पसंद आया है। तो मैं इसके नंबर 10 में से 10 देना चाहूंगा और एक्सपीरियंस के बाद अब मैं आपको पूरी तरह रिकमेंड करना चाहूंगा। तो भैया यदि आप एसी खरीदने जा रहे हो तो मैं आपको 10 बातें बता रहा हूं, यदि आपने इन 10 बातों को सुने बिना एसी खरीद लिया तो मां की कसम लुट के ही आओगे। वैसे मैं आपको 9 ही बातें बताऊंगा, 1 मैं अपने जहन में रखूंगा। जहन है पे बहुत जोर हो गया। सबसे पहला देखो यहां पे बात आती है कि क्या कैपेसिटी रखे हम एसी की, तो 1 टन का लें, 1.5 टन का लें, 2 टन का लें, तो ये डिपेंड करता है। पहले तो अगर आपका कमरा 100 से 120 स्क्वायर फीट का है तो 1 टन बहुत है आपके कमरे के लिए, आप मस्त करके काम कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज और है, एक तो कौन से फ्लोर पे है, ऐसा नहीं है कि आपके कमरे में चारों तरफ से सुसरा धूप ही आई जा रही है तो 1 टन तो रो पड़ेगा, और आपके कमरे में 15-20 आदमी सोते हैं तो एक दूसरे के शरीर से गर्मी निकलती है तो एसी तो भाई साहब वहां से भाग निकलेगा। तो ऐसे में अगर आपके कमरे में 2 या 3 लोग सोते हैं और 100 से 120 स्क्वायर फीट का आपका कमरा है, धूप कम सी आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती, तो 1 टन ले लो, नहीं तो भैया उसके बाद जितने ज्यादा टन ले लो उतना ही बढ़िया है। दूसरी चीज आपको रेटिंग जरूर देखनी है, 5 स्टार तक की रेटिंग आ रही है। 5 स्टार वाला बहुत महंगा आता है, बट मत जाओ 5 स्टार, 3 स्टार तक भी आप ले लोगे तो भी बहुत बढ़िया है, आपकी बिजली बच जाएगी। नेक्स्ट, यदि आप विंडो और स्प्लिट एसी में से 1 चुनना चाहते हो तो स्प्लिट एसी को तो कमरे में कहीं भी लगा लो, दोनों की जो कूलिंग पावर है वो बिल्कुल सेम होती है। कुछ लोगों को लगता है जो विंडो एसी होते हैं उसकी कूलिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन नहीं, दोनों की कूलिंग पावर सेम होती है। प्रॉब्लम विंडो एसी में ये आती है कि आपको वो सुसरा एक हिस्सा सा कटवाना पड़ता है जहां पे वो एसी लगे, स्प्लिट एसी को कहीं भी ठूस दो। एक और प्रॉब्लम आती है विंडो एसी के साथ कि वो आवाज बहुत करता है, स्प्लिट एसी में आवाज नहीं आती है, तो यदि आपको आवाज से दिक्कत है तो विंडो एसी बिल्कुल भी मत लो। तो मैं तो आपको स्प्लिट एसी प्रेफर करूंगा, बाकी आपके जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि विंडो एसी थोड़ा सस्ता आ जाता है तो आप अपना बजट भी देख सकते हो। और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दें, ऐसे कान नाक लगा लें कि 2 AC आते हैं, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। ऐसे में आपको इन्वर्टर AC ही लेना चाहिए, ये ज्यादा एफिशिएंट है, आपके बिजली का बिल भी बचाएगा। क्या फर्क है मैं बताता हूं, जो इन्वर्टर AC होता है वो चलता ही नहीं रहता, ऐसा नहीं है। देखो नॉन इन्वर्टर AC का प्रॉब्लम क्या है कि जो उसका कंप्रेसर है या तो तेजी चलेगा या फिर बंद ही हो जाएगा, उसमें लो का ऑप्शन नहीं होता। तो क्या करता है वो हर टाइम चलता ही रहता है, हर टाइम ठंडा करने के लिए, अगर उसको बंद कर दे ठंडा करना बंद कर देगा। लेकिन इन्वर्टर AC में क्या होता है कि वो ऑन होगा, जब आपका कमरा ठंडा हो जाएगा तो वो स्लो हो जाएगा, और जब आपका कमरा थोड़ा दोबारा से गर्म हो जाएगा तो फिर तेज हो जाएगा, तो वो कम स्लो। तो ऐसे में वो आपकी बिजली को बचाता है क्योंकि वो हर टाइम ही चलता रहता। इधर ये जो नॉन इन्वर्टर AC है ये स्टार्ट होने में भी टाइम लेगा, चलता भी रहेगा, बहुत बिजली खाएगा। तो इन्वर्टर AC शुरू में थोड़ा महंगा में लगता है लेकिन वो आपकी बहुत बिजली को बचाता है। दूसरा, ये कॉपर और एल्यूमिनियम 2 में आते हैं, तो ऐसे में आपको कॉपर वाला प्रेफर करना चाहिए क्योंकि कॉपर वाला स्ट्रांग होता, आसानी से क्लीन हो जाता है, मजबूत होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है टूट फूट जाता है तो रिपेयरिंग भी आसानी से हो जाती है। एल्यूमिनियम वाला साला टुच्चा है, उसे आप बिल्कुल भी ना लें। और आजकल स्प्लिट AC वगैरह में बहुत चोचलेबाजी भी आ रही है, जैसे नॉइस लेवल, कई सारे AC हैं जिसमें नॉइस कम करके दी जाती है, ब्रीज मोड जहां पे AC की आवाज ही नहीं आ रही, तो ये भी किया जाता है। साथ में फिल्टर भी मिल रहे हैं आपको, एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें भी साथ में मिल रही हैं, आप चाहो तो ले लो, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, बाप दादन छोड़ रखे हैं तो। साथ में स्मार्ट AC भी आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ ले मत लो स्मार्ट AC, ऐसी की तैसी बहुत पैसे ले रहे हैं। अरे भैया 1000 रुपये का एक सॉकेट आता है, उसे लगाओ और एलेक्सा से आवाज़ से बंद करो और चालू करो, तो फालतू फंड में स्मार्ट AC में पैसे खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप AC लेने जा रहे हो तो मैंने जो बातें आपको बताई हैं ये आपको शायद समझ आ गई होंगी, नहीं आई तो मेरे बाप का क्या जाता है, लुटना है लुटो वरना जमाता थी।